नाम क्या है? नाम क्या है? ओरिजिनल नाम क्या है? अरे की गाड़ी में डालना है आपको। अरे पहले तो बहुत एक छोटी सी दुकान चलाने वाले दुकानदार के साथ उसकी कालर पकड़कर गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट कर रहे ये रोबदार अधिकारी हैं राधेश्याम राय, जो कि धार जिले के सहायक जिला आबकारी अधिकारी है। राधेश्याम राय हमेशा से विवादों में घिरे रहे हैं और इस बार फिर ये एक विवाद में पड़ गए हैं। यह वीडियो पीथमपुर के चौपाटी क्षेत्र का है, जहां पानी कोल्ड ड्रिंक की छोटी सी दुकान चलाने वाले इस युवक पर अवैध शराब बेचने और आहता चलाने का आरोप है। यह घटना 28 अक्टूबर की रात लगभग 10:30 बजे की है, जब राधेश्याम राय अपने आबकारी अमले के साथ पहुंचे और पूरी दुकान की तलाशी लेकर वहां गाली गलौज करके और युवक जिसका नाम लक्की जायसवाल बताया जा रहा है उसकी कालर पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले गए और उसके साथ मारपीट की और उसे गाड़ी में बैठा कर ले गए। यह घटनाक्रम CCTV में कैद हो गया। जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो जिला आबकारी अधिकारी विक्रमदीप सिंह सांगर ने वीडियो की जांच के आदेश दिए और उसके तत्काल बाद राधेश्याम राय को सागर व्रत और धार तथा कुक्षी के दायित्व से मुक्त कर उन्हें जिला कार्यालय में अटैच कर दिया ताकि जांच प्रभावित न हो। राधेश्याम राय के खिलाफ इससे पहले भी अवैध शराब के मामले में कई लोगों और आदिवासियों के साथ मारपीट करने और उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते ये निलंबित भी हो चुके हैं और इनके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है। राधेश्याम राय विगत कई वर्षों से धार जिले में पदस्थ है और इनका विभाग में और सत्ता पक्ष में कितना रुतबा है, इसका उदाहरण इसी बात से समझा जा सकता है कि धार जिले के कई बड़े सत्ताधारी नेताओं ने इन्हें हटाने के लिए सीधे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा तक से शिकायत कर दी, किंतु इनकी सेहत पर कोई असर नहीं हुआ और ये अभी तक डटे हुए हैं। जैस नेता विजय सिंह चोपड़ा ने उमरवन क्षेत्र के एक मामले में आदिवासी युवक के साथ मारपीट करने और उसे प्रताड़ित करने के मामले में भी इनके खिलाफ एक शिकायत जिला आबकारी अधिकारी को दे रखी है, किंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैस नेता का आरोप है कि शराब कारोबारियों और सत्ताधारी नेताओं के दबाव के चलते इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। डिस्कवर न्यूज के लिए दीपक सिंह चौहान की रिपोर्ट। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी हुई है कि सहायक आबकारी अधिकारी राधेश्याम राय द्वारा आदिवासियों के साथ लगातार शोषण अत्याचार किया जा रहा है। पूर्व में भी राधेश्याम राय के खिलाफ धर्मपुरी धार जिले के विभिन्न तहसीलों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। कहने को तो एक बहाना होता है, उन्हें निलंबित किया जाता है, लेकिन वापस शराब माफिया ठेकेदारों के दबाव में आकर उन्हें वापस कहीं ना कहीं वापस उन्हें जिले में ही पदस्थ किया जाता है। आज से लगभग 15 साल हो गए हैं कि वो एक ही ज़िले में अपना अड्डा जमाए हुए हैं। हमने धर्मपुरी धार विभिन्न मामलों को लेकर शिकायत पत्र दिया है, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी प्रशासन से और सरकार से ये मांग है कि बड़े शराब माफिया जब अवैध तस्करी गुजरात महाराष्ट्र बड़ी बड़ी खेपों में करते हैं, उनमें भी उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत है, ऐसी संदिग्धता हमें होती है। लेकिन आम नागरिक आम आदिवासी जब अपनी रोज़मर्रा जीवन यापन जीने के लिए एक जो महुआ की दारू बनाते हैं उनको पकड़ पकड़ कर उनके अवैध 34(2) के प्रकरण दर्ज किए जाते हैं।